अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बैरियटन की जो मेगा डील आ रही है, न्यू डील के हवाले से डिटेल्स डिस्कशन करूंगा। 9 से 10 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि ये डील के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे और क्या इनका इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें लोकेशन के हवाले से, बैरियटन कराची की मैनेजमेंट ने और कंट्री हेड साहब ने जो दो बार एड्रेस किया ब्रोकर्स को, उसमें उन्होंने लोकेशन के हवाले से अभी क्लियरेंस नहीं दी। लोग गॉसिप्स कर रहे हैं या लोगों के मुख्तलिफ अनऑफिशियल जो हैं वो अंदाजे हैं, अब वो सही भी हो सकते हैं। तकरीबन आप कह लें कि 70-80%, मुझे भी यही लगता है कि शायद वो लोकेशन जो प्रिसेंट 3, 4 और 7 के साथ बैरिया ने न्यू लैंड परचेज की है, वहाँ पर चांसेज हैं। लेकिन ये नॉन कन्फर्म एक ख़बर है, इसके ऊपर मैं आपको ये नहीं कहता जी लाजमी तौर पर वही होगी, हो सकता है वो, लेकिन बैरियर ने अभी इसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। और दूसरी बात इसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो इन्वेस्टमेंट का बैरियर ने बड़ा ओपनली मतलब इस बार रखा है कि आप कोई भी ब्रोकर जो है वो आके 3.5 करोड़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट देके और मैक्सिमम 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट देकर वो अपने हिस्से की डील डिसाइड कर सकता है। अब इसमें ये होगा कि 3.5 करोड़ और 50 करोड़ वाला जो इन्वेस्टर है उनकी डिवीजन इस तरह से होगी कि 3.5 करोड़ का या 3 करोड़ का या इसके आसपास मतलब एक पैकेट बनेगा जिसमें मुख्तलिफ कटिंग्स होंगी, और वो जो 50 करोड़ लाजमी सी बात इन्वेस्ट करेगा उस हिसाब से उनको उनका कोटा अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई फर्दर इस हवाले से हमारे पास कोई जो पेमेंट की डिटेल्स हैं वो नहीं है कि इसका पेमेंट प्लान क्या होगा, किस तरह से मामला तो होंगे। डाउन पेमेंट का एक हिंट उन्होंने दिया है कि तकरीबन 30% के आसपास होगी इसकी, और पैकेट में क्या होगा ये भी नहीं पता। 125 गज़ होगा, 250 होगा, 500 होगा, 1000 होगा, या इसमें मतलब कौन सी कटिंग कितने परसेंटेज में आएगी, अभी ये डिटेल भी हमारे पास नहीं है। अगर किसी बंदे ने इंडिविजुअल लेट सपोज इन्वेस्टमेंट करनी है और उसके पास 3.5 करोड़ नहीं है, तो उसके पास इसका क्या सलूशन हो सकता है, इसमें फिर मार्केट के अंदर मुख्तलिफ आपको जो है वो ऑप्शंस मिल जाएंगी कि बैरिया की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं के साथ चीज़ें आएंगी, तो उसमें आपको तकरीबन मुख्तलिफ मार्केट के अंदर चल रहे हैं आपको इनिशियल जो यूनिट है वो 55 लाख के अंदर जो है वो मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी तो आप तकरीबन इसके आसपास जाके लोग ओपनली इसको प्ले कर रहे हैं अपनी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से कि हम आपको दे देते हैं। उसमें मतलब 50 लाख रुपया उनका डीपी होगा और बाकी जो है 5 लाख ऑन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कंफर्म डिलीवरी के साथ वो कह रहे हैं हम आपको हैंड ओवर कर देंगे। लास्ट फ्राइडे तक जो है अगर आप 3.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जमा करा देते हैं बैरियटन को 23 सितंबर तक, तो आपको जो है वो आपका कोटा या आपका पैकेट कंफर्म कर दीजिएगा, आपको बता दीजिएगा कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स आपको मिलेंगे। 29 या 30 सितंबर को जो है वो लोकेशन और पेमेंट प्लान आपके सामने रख देगा बैरियटन के कौन सी जगह होगी और कौन से मामला होंगे। इसके बाद जो है वो बैलेट जो है वो 10 अक्टूबर को होगा। 10 अक्टूबर में लोकेशन के ऊपर जाके बैरिया की मैनेजमेंट बैलेटिंग करेगी और जिन लोगों ने जो ब्रोकर्स ने बुकिंग दी होगी, डाउन पेमेंट्स दी होगी या अपना पे ऑर्डर उनको बैरियटन के नाम का बैरियटन कराची के नाम का पे ऑर्डर दिया होगा, उनको वहाँ पे नंबर ऑफ प्लॉट्स बता दिए जाएंगे कि आपकी ये लोकेशन बनेगी। अभी लाजमी सी बात है उसमें अभी डेवलपमेंट तो नहीं हुई वहाँ पे, मतलब कोई भी जगह हो जो मैंने पॉइंट आउट किया 3, 4, 7 है या कोई और लोकेशन बैरिया उसको अपॉइंट करता है, तो अभी तक वहाँ पे डेवलपमेंट तो नहीं होगी, लेकिन ये है कि आपको एक प्रपोज्ड मैप दे के वहाँ पे वो बैरिया आपको जो है नंबर्स दे देगा। बाकी इसकी इन्वेस्टमेंट के लिए देखें, फाइल्स का बिज़नेस हमेशा रिस्की होता है, इसकी लाइफ के अंदर प्लस एंड माइनसेस चलते रहते हैं और ये एक दो साइकिल ऐसे आते हैं कि कभी इसमें बहुत ज़्यादा ऑन हो जाता है, कभी ये नेगेटिव पे आ जाती है। और मेरी एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं जो 13 साल बैरियटन कराची मतलब बैरियटन कराची में, तो मैं अभी इसको प्रॉपरली 2020 से ज्वाइन किया, लेकिन इससे पहले मैं बैरियटन लाहौर में था। 2013 में मैंने बैरियटन को ज्वाइन किया था। फाइल की लाइफ में 2 से 3 साइकिल आते हैं अप एंड डाउन के, तो इसमें आपको करना ये चाहिए कि अगर आपने डाउन पेमेंट दी और आपको 1-2 माह के अंदर 20-30% प्रॉफिट मिलता है तो आपको उस वक्त एग्जिट ले लेना चाहिए,
और फिर जो है बाकी बाज़ दफ़ा दोबारा से मार्केट नीचे आती है तो आपको फिर बाइंग कर लेनी चाहिए। लेकिन ये है कि अगर आपने लॉन्ग रन भी रखना है और आपको अलॉटमेंट मिली हुई है या एलोकेशन हुई है या डेवलपमेंट हो रही है तो फिर भी आप इसको लॉन्ग रन रख सकते हैं। लेकिन जहाँ पे अभी जस्ट एक प्रपोज मैप होगा तो उसके लिए आपको इसमें जितनी जल्दी हो सके, अगर तो ऑथेंटिक न्यूज़ चल रही है, डेवलपमेंट ज़्यादा पेस से चल रही है तो फिर आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये है कि आप इसको सेल करके दोबारा से जहाँ पर डेवलपमेंट हो जाए, जिस फेज़ के अंदर डेवलपमेंट हो जाए, आप वहाँ पर प्लॉट बाय करें, क्योंकि इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टीज़ जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है और कस्टमर बहुत सा इस वक्त मार्केट में है जो इस वक्त बाय करना चाह रहा है इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, लेकिन उनको जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही क्योंकि कैश की डील है और 250 गज़ का प्लॉट अगर किसी ने लेना है तो वो 70 से लेके 1 करोड़ 70 60 70 तक की रेंज के अंदर आता है, प्रीसेंट 1 से लेके अगर हम स्पोर्ट सिटी की बात करते हैं। इसी तरह से 500 गज़ के रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं और 1000 गज़ में भी डेफिनेटली रेट्स काफ़ी हद तक जंप कर चुके हुए हैं। उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है जो 2 से 3 साल के लिए एक प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं या अपनी सेविंग्स को प्रॉपर्टी की फील्ड में लाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक गोल्डन चांस होगा इसको अवेल करने का। बैरियर टाउन कराची के हवाले से अगर या न्यू डील के हवाले से आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद सलीम को इजाज़त दें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।